Hello children, I am Pratibha, your GK teacher. Today we are going to learn chapter 3 of your book, Be Safe. Dear children, our safety is in our hands. You all know nowadays corona is spreading. So what we have to do to ensure our safety? We should use mask, sanitizer and hand wash. We should wash our hands and maintain proper distance between each other and follow all the guidelines of government because our government wants our safety. Dear children, you all know that accident usually occur due to our carelessness. So we should be careful, right? We should always take care of ourselves and others to ensure our safety and our near and dear ones' safety. So, dear student, be careful and listen to your mom and dad. Okay, dear children, come to the chapter. Read the question. We must always take care of ourselves and others. Accidents usually occur due to carelessness. To avoid accident, we must take safety measures, tick right activities we must do and cross wrong the ones we must avoid. Dear children, हमें हमेशा careful रहना चाहिए, हमें careless नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम careless होंगे तो accident occur होंगे and just to avoid accident we should follow some safety measures. Dear children, अभी हमें इसमें क्या करना है, हमें टिक राइट करना है उन एक्टिविटीज़ को जो हमें करनी चाहिए एंड मार्क रॉन्ग करना है उन एक्टिविटीज़ को जो नहीं करनी चाहिए. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. वॉट यू सी, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ बॉय हु वॉज जम्पिंग ऑन द बैट. ही इज़ डूइंग राइट, नो ना? सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मार्क रॉन्ग, राइट? Read the next one. Using a sharpener, not a blade. So हमें blade use नहीं करनी चाहिए ना, sharpener use करना चाहिए. So mark right. Read the third one. Leaning out of the window of a moving bus. हमें bus से झाँक कर देखना चाहिए, lean हो जाना चाहिए, no ना? So mark wrong. Read the next one. Disturbing the bus driver. हमें बस के ड्राइवर को डिस्टर्ब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट? सो मार्क रॉन्ग देयर बिकॉज अगर हम बस को ड्राइवर को डिस्टर्ब करेंगे तो वो बैलेंस खो देगा और एक्सीडेंट हो सकता है. रीड द नेक्स्ट वन. स्टैंडिंग इन अ क्यू. हमें क्यू में खड़ा होना चाहिए ना, लाइन में खड़ा होना चाहिए. सो मार्क राइट देयर. ओके, रीड द नेक्स्ट वन. टचिंग अ हॉट आयरन. हमें हॉट आयरन को टच करना चाहिए क्या? अगर हम टच करेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ जल जाएंगे ना. सो मार्क रॉन्ग देयर. हमें टच कभी भी नहीं करना चाहिए. रीड द नेक्स्ट वन. यूजिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग. जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए, राइट? सो मार्क राइट देयर. जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए. रीड द नेक्स्ट वन. पुशिंग समवन. हमें किसी को धक्का देना चाहिए क्या? नहीं, अगर हम किसी को धक्का देंगे तो उसको लग सकती है ना. सो मार्क रॉन्ग देयर. हमें कभी भी किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. रीड द नेक्स्ट वन. कीपिंग टॉयज़ इन द शेल्फ. हमें टॉयज़ को शेल्फ में रखना चाहिए. यस, हमें टॉयज़ को कहाँ रखना चाहिए? शेल्फ में रखना चाहिए. इससे हमारी मम्मा की हेल्प होगी और हमारा होम क्लीन दिखेगा. सो मार्क राइट देयर. Dear children, our chapter got over. I hope you all understand it very well. Thank you and have a nice day.